नमस्कार यारो, मैं हूँ रॉकी और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। अभी जा रहा हूँ रिपॉन स्ट्रीट, जिसे मल्ली बाजार भी कहते हैं। मल्ली बाजार की तरफ जाऊँगा क्योंकि अपने बीस्ट को वहाँ पे सर्विस करवाऊँगा। आरी का सबसे बड़ा सर्विस सेंटर वेस्ट बंगाल में रिपॉन स्ट्रीट में है, तो देखेंगे कैसे सर्विस होता है और उसका सफ़र, उसके बारे में पूरा फन फैक्ट्स बताऊँगा कि पूरे इलाके के बारे में। तो फिर देखते रहिए मेरे इस वीडियो को आखिरी तक। जैसे कि आप लोग अभी तक जान चुके हैं कि ये संप्रीति फ्लाईओवर है, इसका ऑलरेडी मैं वीडियो दो बार दे चुका हूँ। इसको अगर देखना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड में अभी इसका कार्ट आ रहा होगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप उसको बाद में देख सकते हैं। और ये जिंजरा बाजार है, ये वेस्ट बंगाल का बहुत ही बड़ा वेजिटेबल मार्केट है, थोक मार्केट है ये। तो इस रास्ते को पकड़ के मैं जाऊँगा बाई तरफ। अब बाई तरफ पड़ेगा हाइड रोड। हाइड रोड बहुत ही इंडस्ट्रियल इलाका है, वहाँ पे बड़े बड़े कंपनियाँ वहाँ पर हैं और उसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। ऐसा बहुत ही अच्छा है, तो उसका वीडियो भी आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड में आ रहा होगा। अगर देखना चाहते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब मैं राइट हैंड साइड की तरफ जाऊंगा, इस तरफ पड़ेगा खिदरपुर फैंसी मार्केट। तो फैंसी मार्केट की नहीं जाऊंगा, उसके आगे मैं बाई तरफ लूँगा डॉक नंबर वन का रास्ता लेकर जाऊंगा विद्यासागर सेतु। और ये खिदरपुर का डॉक है जो कि बहुत ही फेमस है, तो पकड़ कर विद्यासागर सेतु, मतलब बड़ा विद्यासागर सेतु नहीं, छोटा सा एक विद्यासागर सेतु है जो सर्कुलर ट्रेन के पास से गुजरता है, उस रास्ते को पकड़ूंगा। और उसको पकड़ने के बाद मैं एजीसी बोस का रास्ता पकड़ूंगा। अब मैं लेफ्ट साइड का रास्ता पकड़ूंगा जो डॉक नंबर वन से गुजरता है, और जिस जो सीधे का रास्ता देख रहे हैं वो जाता है फैंसी मार्केट की तरफ। और यह डॉक नंबर वन, देख सकते हैं कि कितने गुड्स की गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं। और ये भी है विद्यासागर सेतु, जिसके बारे में बोल रहा था कुछ देर पहले, इसे भी विद्यासागर सेतु कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटा है। एक्चुअली ये रास्ता बहुत ही शॉर्टकट रास्ता है और यहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक कम रहता है, और अगर मैं मेन रास्ता पकड़ता तो वो लॉन्ग भी पड़ता, ट्रैफिक सिग्नल भी ज़्यादा पड़ता और वो बहुत ही कंजेस्टेड रहता है एरिया। तो इसलिए मैं ये शॉर्ट रास्ता पकड़ रहा हूँ, यहाँ से बहुत ही जल्दी होता है। सामने से जाकर मैं यू ले लूँगा क्योंकि मुझे जाना और उल्टी तरफ है, एजीसी बोस का फ्लाईओवर उधर पड़ेगा। और ये रेस कोर्स का रास्ता है, सामने फोर्ट विलियम है, आर्मी बेस कैंप है यहाँ पर, और मैदान भी सामने ही है। तो ये बहुत ही पॉपुलर इलाका है वेस्ट बंगाल का, मतलब कोलकाता का बहुत ही पॉपुलर इलाका है। और ये है एजीसी बोस का फ्लाईओवर, बाईं तरफ पड़ता है आपका खिदरपुर का रोड पड़ता है। सीधे जाने के लिए आपको एजीसी बोस पकड़ना पड़ेगा, और अगर लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो आपको खिदरपुर का रास्ता मिलेगा।
ये रास्ता बहुत ही जैम रहता है, हर समय इसमें जैम से भरा रहता है ये रास्ता। कभी भी आज तक मैंने देखा नहीं है कि ये रास्ता खुला हुआ है। पार्क स्ट्रीट और धर्मतला अगर जाना हो तो ये लेफ्ट साइड रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अगर सियालदा और पार्क सर्कस की तरफ जाना पड़े तो सामने का जो फ्लाईओवर है उसको पकड़ना पड़ेगा। साइड का रास्ता पकड़ के सियालदा की तरफ जाऊंगा, वहाँ पर ही मल्ली बाजार और रिफॉर्म स्ट्रीट पड़ता है। और ये लेफ्ट साइड में है ऑडी का शोरूम। वाह व्हाट अ कार। फिलहाल मेरे पास अभी दो ही किडनियाँ हैं, चार किडनी अगर हो तो मैं इसे खरीदने की सोचूंगा। और ये लेफ्ट साइड से शुरू होता है मल्लिक बाज़ार। यहाँ पर ऑटोमोटिव के जितने भी पार्ट्स हैं, वो फोर व्हीलर्स हो टू व्हीलर्स हो, सब कुछ पुराने से लेकर नए तक सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिले तो शायद ही और कहीं जगह मिले। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि टायर्स के टायर्स पड़े हुए हैं यहाँ पर, पूरे पार्ट्स है ओके दुकान है यहाँ पे। मैं डाइनी तरफ लूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैथलीन का शॉप है और उस तरफ है मियो मोरे का, और बीच में से जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते को मैं पकड़ूंगा। और यही है आरी और हुंडई का सबसे बड़ा सर्विस सेंटर। आरी का सबसे बड़ा सर्विस सेंटर कोलकाता का यही ही है और बहुत ही पुराना सर्विस सेंटर यही है। जॉब कार्ड मैं बना चुका हूँ और यही है रेस्ट रूम विजिटर्स के लिए। फिलहाल मेरा 20 अभी खड़ा है, इसके बाद ही जाएगा। और रहा यहाँ पर आने से पहले आपको फ़ोन करके बुकिंग करना पड़ता है, तो फ़ोन करना ना भूलिए।
क्योंकि यहाँ पे बहुत रश रहता है, बहुत ही मतलब एक एक दिन में 50-60 बाइक्स यहाँ पे काम होता है। तो प्लीज़ यहाँ पर आने से पहले फ़ोन करके ज़रूर आइए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए आने वाली वीडियो को पहले देखने के लिए। धन्यवाद।